हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम स्पिन बूट की सीरीज में हम देखेंगे कि रेस्ट एक्चुअल में रेस्ट एपीएस होती क्या है, रेस्ट या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि वेब सर्विसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके हम वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं, राइट। तो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो क्या होती है वेब सर्विसेज, ओके, एज अ डेफिनेशन आर इंटरव्यू पर्पज से किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे कि वेब सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स सी। वेब सर्विसेज एक तरह से यू कह सकते हैं कि एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, यू कैन सी होता है, मतलब क्या होता है कि जब हम एक बार यदि वेब सर्विसेज क्रिएट किए हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के द्वारा उसे यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हो, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई हो, तो भी वेब सर्विसेज का ये फीचर्स होता है कि वो किसी भी एप्लीकेशन में यूज हो सकती है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी से भी इंडिपेंडेंट होती है। तो इस पर्पज से आज वेब सर्विस का मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, और स्प्रिंग बूट का यूज करके हम जावा के लिए स्प्रिंग बूट का यूज करके हम रेस्ट मीन्स वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि वेब सर्विसेज के टाइप्स भी होते हैं। यस, वेब सर्विसेज के टू टाइप्स होते हैं, मेनली सोप ओके एंड रेस्ट बेस। दो टाइप के होते हैं, सोप एंड रेस्ट बेस। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा रेस्ट, क्योंकि आज के टाइम में जो रिसेंट टेस्ट में यदि आप देखो तो रेस्ट जो बिकम पॉपुलर, ओके, मोस्ट पॉपुलर। सो दिस इज व्हाट, सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज वेब सर्विसेज, सो वेब सर्विसेज इज रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच आर अवेलेबल इन नेटवर्क्स फॉर कंज्यूमिंग बाय द अदर एप्लीकेशन, सो दैट अदर एप्लीकेशन कैन कंज्यूमिंग, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और इनसे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नाउ सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी क्या होता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम एक अच्छी रेस्टफुल वेब सर्विसेज का को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग द स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क, ओके, यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली रेस्ट, ओके। वी हैव सीन दैट वेब सर्विसेज आर टू टाइप्स, वन इज रेस्टफुल वेब सर्विसेज, another one is for soap based applications, okay. So come to the rest, okay, what is rest? So here RE means a representation, A is for state, NT for transfers, okay, representational state transfer, okay. It is rest is like a architecture, okay, which defines some set of rules and regulations so that we can create a web services, okay. REST help to build web services means such type of applications which is lightweight, maintainable, scalable, okay. So this type of web services can be created using this Spring, okay. So REST has this type of features, lightweight, maintainable and scalable, okay. It has lots of advantages if we use it, like interoperability means two web services can operate interoperability, okay, and resource sharing means one resource can be shared to other services. Reusability, this web service can be used by the different applications, okay. Independent client server architecture means it doesn't depend on client server architecture and stateless translations, okay. So whatever the transactions is happen, it is stateless. So these are the advantages if we create a REST web services, okay. So there is a two types of web services, SOAP and REST. Here we have seen about the RESTful web service, what is the RESTful web services and what is web services, okay. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel.